प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों का। हैदराबाद में जुमे की नमाज को लेकर अलर्ट सस्पेंड, बीजेपी विधायक टी राजा भेजे गए जेल, ओवैसी की शांति की अपील। एलओसी पार कर 3 आतंकी मारे गए, एक फरार। जम्मू कश्मीर में 5 दिन में घुसपैठ की तीसरी घटना, बंदीपोरा में लश्कर के 2 आतंकी गिरफ्तार। तेजस्वी बोले, हिम्मत है तो सीबीआई खट्टर पर कार्रवाई करे। कहा, सीबीआई मेरा मॉल पकड़ने गई थी, मैंने भाजपा वालों का माल पकड़ लिया। पीएमएलए के 2 नियमों का रिव्यू करेगी सुप्रीम कोर्ट। केंद्र को नोटिस भेजा, कहा मनी लॉन्ड्रिंग बर्दाश्त नहीं करेगा पर दोबारा विचार की जरूरत। सोनाली फोगाट की मौत पे हत्या का केस दर्ज, पोस्टमार्टम में चोट के कई निशान मिले, पीए सुधीर और सुखविंदर गिरफ्तार। जालौन के बाढ़ में मौत का लाइव वीडियो आया सामने, जालौन में ट्रक पलटा, 6 घंटे में धीरे धीरे डूबा, खलासी ग्रामीण बचा नहीं पाए। सहारनपुर में पुलिस के सामने खूनी संघर्ष, राशन डिपो के चार्ज को लेकर 2 पक्षों में चले लाठी डंडे। गाजीपुर में युवक का मिला लुलुहान शव, प्राइवेट स्कूल के पड़ा था पीछे, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। ललितपुर में राज्य मंत्री के पुत्र और पुलिस कर्मियों में मारपीट, श्रम व सेवा योजना राज्य मंत्री है मनोहर लाल पंत। गोंडा में आधा दर्जन युवकों ने की मारपीट, नशे में धुत थे युवक, पुलिस सामने खड़ी होकर बनी रही तबाशबीन। टेक्सास में भारतीय महिलाओं पर नस्ल के हमला, मैक्सिकन अमेरिकन महिला ने दी गालियां, थप्पड़ भी मारा। कुओं से अपना खर्च चलाती है टेक्सास यूनिवर्सिटी, 250 कंपनियों को कुएं लीज पर दिए, इनसे रोजाना 48 करोड़ रुपए की कमाई। टेररिज्म केस में इमरान को 1 सितंबर तक बेल, 21 अगस्त को जारी हुआ था वारंट, जज पुलिस अधिकारियों को धमकाया था। भारत ने पहली बार रूस के खिलाफ वोट किया, जेलेंस्की को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भाषण का न्योता, तारीख तय नहीं। मंकीपॉक्स के मामले में 21% गिरावट, 1 महीने बढ़त के बाद पिछले हफ्ते मरीज घटे 40-60% के नॉर्थ साउथ अमेरिका में सीमित। मोहम्मद अली स्टीवन करी से हुए सेरेना विलियम्स की तुलना, दिग्गज बोले सेरेना ने दुनिया भर की महिलाओं और लड़कियों को प्रेरित किया। मुंबई एयरपोर्ट पर इरफान पठान के साथ बदलसू की, काउंटर पर 1.5 घंटे तक खड़ा रखा क्रिकेटर ने सोशल मीडिया पर आपबीती बताई। चोटिल शाहीन अफरीदी युजवेंद्र चहल को देखते ही उठ खड़े हुए, बताए कब तक फिट हो जाऊंगा। प्रैक्टिस के बाद मस्ती मूड में दिखे कप्तान रोहित शर्मा, फैंस को खूब पसंद आया उनका यह अंदाज। पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले के लिए तैयार टीम इंडिया, विराट रोहित ने साथ में की बैटिंग। केकी की बेटी तमारा और बेटे नकुल का लाइव कॉन्सर्ट, पब्लिक में पहली बार गाना गाया, बेटी ने लिखा इमोशनल नोट, कहा काश हमारे साथ होते पापा। आर बाल्की की फिल्म चुप की रिलीज डेट हुई अनाउंस, बतौर म्यूजिक कंपोजर अमिताभ बच्चन करेंगे ऑफिशियल डेब्यू। एसएस राजमौली ने की ब्रह्मास की तारीफ, बोले आयान मुखर्जी ने जो दुनिया बनाई है उसे बनाना आसान नहीं था।
कार्तिक आर्यन को देख इमोशनल हुए फैन, एक्टर ने गले लगाकर चुप कराए, फैंस कर रहे हैं जमकर तारीफ। अमिताभ बच्चन ने खुद को बताया हेल्पलेस, सोशल मीडिया के जरिए दिया हेल्थ अपडेट, बोले आखिर में कोरोना जीत गया। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ।